हम देखेंगे राइट ए जावा प्रोग्राम टू चेक आर्मस्ट्रांग नंबर, कोई भी नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है क्या नहीं, यूजिंग जावा प्रोग्राम हम चेक करेंगे। उससे पहले हम जावा प्रोग्राम में जाने से पहले हम देखेंगे आर्मस्ट्रांग नंबर है क्या। तो कोई भी नंबर लो, मैंने 153 लिया है जो कि पहले से आर्मस्ट्रांग नंबर है, और उस नंबर को कोई भी नंबर को हमें एज ए इंडिविजुअल डिजिट लेना है, और वो हर एक डिजिट का हमें क्या करना है, क्यूब लेना है, 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब, और हर एक इंडिविजुअल क्यूब को हमें ऐड करना है। तो वापस वही नंबर अगर मिला तो वो नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है। देखो 153 नंबर है, उसका क्यूब करके सम किया, 153 मिला, समझा? ओके, तो हम कोड में जाते हैं। क्लास के अंदर मैंने मेन मेथड लिखा है, और मेन मेथड मेन होता है जिससे प्रोग्राम स्टार्ट होता है। मैंने कुछ वेरिएबल लिए हैं जो डिक्लेयर किए हैं, उसमें से एक वेरिएबल मैंने 0 करके इनिशियलाइज किया है। ये स्कैनर क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिससे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए ये यूज़ होता है सिंटेक्स न्यू स्कैनर करके, और उसको मैंने इम्पोर्ट भी किया है जावा डॉट यूटिल पैकेज से। तो ये ऑब्जेक्ट थ्रू मैं एक मेथड कॉल करूँगा, वो क्या करेगा मेथड, जो भी यूज़र इनपुट देगा नंबर, हम जो स्टार्टिंग में नंबर डालने वाले हैं चेक करने के लिए, वो नंबर इंटीजर होना चाहिए ये चेक करेगा, और नम में सेव करेगा जो कि हमारा इंटीजर है, राइट? और टेम्पररी बेसिस के लिए हमें आगे जाके कंपेयर करना है जो इनपुट नंबर डाला है वो वही नंबर मिल रहा है कि नहीं, जैसे इस इमेज में दिखा है वही नंबर है ना। ओके, तो हम टेम्पररी वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। तो ये मेन लॉजिक, तो ये लूप है, इसमें सब लोग फुल कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। वाइल कंडीशन में मैंने चेक किया है जो मेरा नम है वो क्या है, 0 से बड़ा है क्या, राइट? ट्रू कंडीशन होने के बाद ये अंदर चला जाता है, और अंदर एक ए वेरिएबल में मैंने एक चीज़ सेव करने की कोशिश की है, नम परसेंटेज 10। परसेंटेज मतलब क्या, नम को 10 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचता है वो इधर लिखो। रिमाइंडर क्या बचता है, 153 डिवाइड बाय परसेंटेज 10, मतलब डिवाइड बाय 10, रिमाइंडर 3। और ये डिवाइड का चीज़ है वो क्वेश्चन को सेव करता है, 153। तो नम क्या हो गया मेरा, 15। ये सेकेंड स्टेप, और थर्ड स्टेप है मेरा सी, जो मैंने शुरुआत में 0 इनिशियलाइज किया है वो क्या होगा, सी को हम लोग क्या प्लस कर रहे हैं, ए का क्यूब प्लस कर रहे हैं। तो सी 0 प्लस क्या होगा, 0 प्लस ए का क्यूब 27 इक्वल टू 27 हो गया। तो ये तीन चीज़ें हैं वो लॉजिक है, अभी ये तीन चीज़ें हो गई, लेकिन लूप तो ख़त्म नहीं हुआ। लूप वापस चेक करेगा कि हमारा नम का वैल्यू, ये 15 हो गया, अभी देखो नम का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 15। तो वो तो 0 से बड़ा है, तो वापस नम का वैल्यू 0 से बड़ा होने की वजह से वापस लूप रन होगा, और ए क्या होगा अभी, नम परसेंटेज 10, तो ए क्या होगा हमारा, 5, राइट? और नम क्या हो जाएगा, 1, राइट? और 27 प्लस क्या होगा, 5 का क्यूब 125, राइट? हो जाएगा ये 152। ओके, तो सिमिलरली नम हमारा हो गया अभी 1 हो गया, तो नम 1 है मतलब वो 0 से बड़ा है, तो वापस एक बार लूप रन होगा, और हमारा ए हो जाएगा 1, नम हो जाएगा 0, और यहाँ पे 1 का क्यूब सी में प्लस हो जाएगा जो कि होता है 1, और ये 153 आ गया। तो ये लूप का कंडीशन आगे ट्रू नहीं होगा क्योंकि हमारा नम 0 आ गया है, और टेम है 153। ओके, और ये सी 153। ओके, दोनों सेम है, तो ये आर्मस्ट्रांग नंबर है। तो ये था दोस्तों पूरा लॉजिक, एकदम इजी है। हम रन करके देखते हैं, रन के सिंबल में मैं क्लिक कर रहा हूँ, और वो पूछ रहा है। ओके, वो पूछ रहा है नंबर डालो कोई। ओके, मैं 153 डाल रहा हूँ, एंटर करता हूँ। ओके, आर्मस्ट्रांग नंबर है, वापस रन करता हूँ, 151 डालता हूँ, ठीक है? रन कर रहा हूँ, 152 या 1 डालता हूँ। ओके, ये क्या हुआ, बहुत बार मैंने रन किया इसके लिए कुछ चीज़ें ऐसे हो रही है। तो आप ऐसे ये कोड रन कर सकते हो और चेक कर सकते हो, हेल्पफुल। ओके, नॉट